द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अयोध्या और बाबरी मस्जिद के विवाद के बाद अब ज्ञानवापी का विवाद जो है वो जोरों शोरों से गर्मा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर एएसआई की सर्वे जो था वो भी पूरा हो चुका है और रिपोर्ट पेश की जानी है, लेकिन इसे लेकर अब किस तरह से हिंदू संगठन माहौल बना रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों को एकजुट करके ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने की बात कह रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें एक हिंदूवादी नेता जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद को ज्ञानवापी मंदिर बता रहा है। साथ ही यहाँ पर कई सारी महिलाएं उसके साथ नजर आ रही हैं और वो मंच पर भाषण दे रहा है, माइक लेकर भाषण दे रहा है और कह रहा है कि वहां पर हनुमान जी की, गणेश जी की मूर्तियां मिली हैं और हमें जल्द जो है उस मस्जिद को मंदिर में तब्दील करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर से उसी तरह का माहौल बनाना शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव है और ऐसे में इन लोगों ने फिर से जो है वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा जो है वो ऊपर उठा दिया है। ज्ञानवापी को लेकर कई समय से विवाद चल रहा है। ज्ञानवापी का जो विवाद है वो भी काफी पुराना विवाद है और इसे लेकर लगातार जो है हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां पर जो है मंदिर हुआ करता था। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस तरह के दावों को खारिज कर रहा है और इस पर एतराज भी जता रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं, ये ट्वीट हिंदुत्व वॉच का है। हिंदुत्व वॉच ने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है और वीडियो शेयर करते हुए इसे लेकर जानकारी दी है। वीडियो है जलालाबाद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का। जलालाबाद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन जो है वो किस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं, इसे लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्वीट में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदू मंदिर में बदलने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो भाषण दे रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, वो आपको वीडियो भी दिखाते हैं। वीडियो का पहला हिस्सा सुनिए आप सबसे पहले, जिसमें ये काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका जिक्र करते हैं, कहते हैं कि वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी मंदिर है। देखिए वीडियो। काशी के अंदर जो विश्वेश्वर महादेव मंदिर है, ज्ञानवापी में पहले कही जाती थी। अब वीडियो का दूसरा हिस्सा सुनिए जिसमें ये शख्स आगे कहता है कि वहां पर जो है अभी एएसआई का सर्वे चल रहा है, एएसआई का सर्वे जो है वो पूरा हो गया, रिपोर्ट पेश की जा रही है कोर्ट में। इसमें ये कह रहा है शख्स कि साक्ष्य मिल चुके हैं, वहां पर गणेश, हनुमान और तमाम भगवानों की मूर्ति जो है वहां पर निकली है और जल्द हम वहां पर पूजा भी करेंगे। सुनिए उसे। उसके अंदर अपना वो ज्ञानवापी मंदिर है, हम सबको जानकारी है, उसके साक्ष्य मिले हैं, उसके अंदर लक्ष्मी माता, हनुमान जी, गणेश जी सबकी मूर्ति मिली है। उसके बाद ये शख्स ये भी कहता है कि आप कामना करिए, प्रार्थना करिए कि कोर्ट से फैसला जो है वो हिंदुओं के पक्ष में आए और उसके बाद वहां पर ये शिवलिंग की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें और वहां पर जो है मंदिर बन जाए। अब ये वीडियो का आखिरी हिस्सा देखिए जिसमें ये कहता है कि सभी को एकजुट होना चाहिए, सभी को प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वहां पर जो है हम जल्द से जल्द वहां पर मंदिर बनाए। बार बार ज्ञानवापी मस्जिद को ज्ञानवापी मंदिर कह रहा है और उसे लेकर अलग अलग तरह के दावे कर रहा है। देखिए वीडियो। ऐसी कृपा करो कि कोर्ट के अंदर जो मुकदमा चल रहा है वो जल्द से जल्द हम लोगों के पक्ष में हो और इस हमको भगवान के दर्शन करने के लिए काशी में हम सबको मिले। वीडियो आपने देखा कि किस तरह से ज्ञानवापी को भी अब जो लगातार जो उसका मुद्दा है वो उछाला जा रहा है। हालांकि कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, कोर्ट में अब एक और नई याचिका दायर की गई है वजू खाने को लेकर। वजू खाने की भी जांच की मांग की गई है, वैज्ञानिक जांच की मांग की गई है। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज क्लिक की खबर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि ज्ञानवापी केस हाईकोर्ट के फैसले से पहले बदले गए जज, सर्वे के बीच नई याचिका दायर। तो हाईकोर्ट के फैसले से पहले जो है वो जज का तबादला कर दिया गया है, साथ ही सर्वे के बीच एक नई याचिका दायर हो गई है जिसमें वजू खाने को लेकर जो है याचिका दायर की गई है कि वजू खाने का भी वैज्ञानिक जांच जो है वो होनी चाहिए। ज्ञानवापी जो है जोरों शोरों से ये मुद्दा उठाया जा रहा है और इन मुद्दों से फायदा किसको होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, किसका वोट बैंक मजबूत होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ अब अपनी स्क्रीन पर नभा टाइम्स की भी खबर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट के कोर्ट पहुंचने में देरी हो सकती है, एएसआई की टीम तारीख बढ़ाने की कर सकती है मांग। तो 2 सितंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया था,
सर्वे की रिपोर्ट को, लेकिन सर्वे का काम अभी चल रहा है। ऐसे में इस आधार पर संभावना ये जताई जा रही है कि सर्वे की टीम रिपोर्ट पेश करने के लिए और ज्यादा समय जो है वो कोर्ट से मांग सकती है। वहीं जो एक और याचिका दायर हुई है उस पर मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की संयुक्त सचिव एस एम यासीन ने न्यूज क्लिक को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने विवादित इलाके को सील का आदेश दिया है। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट याचिका दायर करने का कोई मतलब नहीं है। इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे अधिवक्ता हमारे वकील राखी सिंह ने, क्योंकि राखी सिंह ने याचिका जो है वो दायर की है, उसकी याचिका का अध्ययन कर रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर का एसआई सर्वे हो रहा है तो वजू खाने को छोड़ दिया जाना ठीक नहीं है। हम राखी की याचिका का स्वागत करते हैं, उसका भी एसआई सर्वे करा लेते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम भी जानना चाहते हैं कि एसआई की रिपोर्ट कितनी सच्ची है और कितनी झूठी। अगर फवारे को शिवलिंग बताया जाएगा तब हम ये मान लेंगे कि किस तरह का इंसाफ हो रहा है। यासीन यहाँ पर यह भी दावा करते हैं कि हमारे पास इससे जुड़े तमाम दस्तावेज हैं, तमाम कागजात हैं जो प्रमाणित करते हैं कि वजू खाना और फवारे का निर्माण साल 1937 के बाद हुआ है। हम भी उससे जुड़े दस्तावेज पेश करेंगे कि फवारे का निर्माण कब कराया गया है। तो एक वीडियो, एक तस्वीर वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, तमाम न्यूज चैनल्स ने उसको दिखाया भी था, जिसमें हिंदू पक्ष उसे शिवलिंग बता रहे थे और मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये फव्वारा है, वजू खाना है जहां पर नमाज अदा करने से पहले वजू किया जाता है, उसी को ये लोग जो है वो शिवलिंग बता रहे थे कि ये शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है, उसी की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर यासीन कह रहे हैं कि हम भी दस्तावेज पेश करेंगे कि फव्वारे का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ। याचिकाकर्ता जिस आकृति को शिवलिंग बता रहे हैं वो सही मायने में हमारे वजू खाने का फव्वारा है। हम चाहते हैं कि एसआई हमारे फव्वारे का भी सर्वे करे, साथ ही हमें उसे चलाने का भी मौका दे। तो पहले आपने बाबरी मस्जिद और अयोध्या को लेकर विवाद देखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया और वहां पर जो है राम मंदिर बनने का फैसला वहां पर सुनाया और वहां पर अब राम मंदिर बन रहा है। अब यही ज्ञानवापी को लेकर भी हो रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर था, मंदिर के साक्षी नीचे मिलेंगे, फव्वारे को शिवलिंग बताया जा रहा है और अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। वहीं एकजुट करने के भाषण दिए जा रहे हैं, प्रवोक किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इस नफरती काम में शामिल किया जा रहा है। यहाँ पर आप अच्छे से देख रहे हैं, आप जिस तरह से ये ज्ञानवापी को लेकर ये नफरती चिंटू वीडियो बना रहा है, भाषण दे रहा है, एकजुट होने की बात कर रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद को ज्ञानवापी मंदिर कह रहा है, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? कॉमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।